ये दिख रहा है ना, ये प्रॉपर जंगल शुरू हो गया। ये है वो जगह, दिस इज द स्पॉट वेयर जिम कॉर्बेट शूट डेड द कांडा मैनेटर इन द समर्स ऑफ 1933। इन्हीं कहीं पेड़ पे वो मचान लगा के कहीं पे बैठे हुए थे। यहाँ पे कहीं भैंस का बच्चा बंधा हुआ था। जब एक गोली उन्होंने चलाई तो टाइगर को मालूम चल गया कि किसी ने, इंसान है यहाँ पे जिसने मेरे को गोली चलाई है। उत्तराखंड बनी जब तभी वे गेला पता। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ रूरल टाइगर। रूरल टाइगर के इस वाले एपिसोड में मैं ताड़िया विलेज से वापस जाने वाला हूँ और वो जर्नी आप देखने वाले हैं। नहा लिया है मैंने, हालांकि पानी बहुत ठंडा था। पानी ठंडा होने के बाद भी, मतलब नहाने के बाद, उस नहाने वक्त तो मतलब क्या ही बताऊँ क्या लगा, लेकिन नहाने के बाद अब मुझे ना बड़ा मतलब अच्छा गर्म गर्म सा फील हो रहा है। मैंने सिर्फ एक इनर पहना हुआ है और शर्ट पहना हुआ है और मुझे अच्छा लग रहा है। यहाँ पर ठंड काफ़ी है लेकिन फिर भी अच्छा लग रहा है। शायद ये मतलब ऐसे ही होता है, ठंडे पानी से आप नहाओ तो आपको ऐसा ही फील होगा। थोड़ा सा पूजा ध्यान करके मैगी बनने को दिया हुआ, मैगी खा के फिर यहाँ से भी हम लोग निकलेंगे। पुंगड़ी पटली दानी देखी गांव की बनी स्कूल गुरुजी उंगड़ा छन खुशी माँ स्कूलों को लापता हे गडवाल मसब विधानी कनी वे गेला पता उत्तराखंड बनी जब तभी वे गेला पता गोतेरा चार माँ ब्योली ब्योला सानी का ना आख्युमा कोलेने गया छन पंडा जी द्वी मिनट मला पता। सबसे अच्छी बात ये होगी कि जब तक मैं नहा धो रहा था, पाठ पूजा कर रहा था, तब तक देवेंद्र सर ने मैगी बना दी हम लोगों के लिए। हम लोग मैगी खाएंगे और फटाफट यहाँ से निकल जाएंगे। लो सर, अभी मैगी लो। शुभम नाम है बेटा आपका जी। आप ही गाना गाते हो जी। YouTube चैनल का नाम क्या आपका? शुभम ध्यानी। स्कूलों को लापता हे गडवाल मसब विधानी कनी वे गेला पता उत्तराखंड बनी जब तभी वे गेला पता गोतेरा चार माँ ब्योली ब्योला सानी का ना आख्युमा। सो फाइनली इट्स टाइम टू से गुडबाय टू दिस प्लेस, दिस लवली प्लेस। और अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। थोड़ा बहुत खा लिया है, एक पानी की बोतल भर ली है और कुछ फोटोज खींचे, कुछ कैंडिड पिक्चर्स लिए और चल दिए। बिल्कुल आंटी, बिल्कुल आएंगे दोबारा। हाँ आंटी, थोड़ी ले जाएंगे दोबारा आएंगे आंटी। आना जाना देखना, जरूर आना। ठीक है, फोन बात कर लो आंटी, फोन बात कर लो। ठीक है, ओके बाय आंटी, बाय बाय, ठीक है। एक रात में इतना सारा प्यार बन गया और इतने सारे रिलेशन बन गए, रिश्ते बन गए अब इस गांव से। ये बद्री विशाल जी का मंदिर, यहाँ हाथी आया है। हाँ, ये देखा था मैंने, हाथी ने यहाँ पे किया हुआ है। देखो ये हाथी का गुब्बारा, ये भी, और ये घर है इनका, ये घर है इनका। खूब सारे रिलेशन बनाने के बाद, खूब सारी मतलब अलग तरह की मस्ती करने के बाद, फाइनली इस गांव से बाहर। इतना खूबसूरत गांव, इतने खूबसूरत लोग। नहीं नहीं, ऐसा है, मेरे भगवान ने बहुत कुछ दे, हमें पता है सब दे रखा है। मैं हमेशा सुन तो लो, मुझे नहीं चाहिए, मुझे धन से कोई मतलब, मुझे प्यार से मतलब। मैंने आपसे कल कहा था, मुझे महलों से मतलब नहीं है, मुझे झोपड़ी में जहाँ पर प्यार है, भगवान का आशीर्वाद है। ठीक है अंकल, थैंक यू। दर्शन है तो सबके दर्शन जी, बिल्कुल, थैंक यू, बाय बाय। एक जमाने में ये सारा जो जगह जहाँ मैं अभी चल रहा हूँ, ये सारा जो आप देख रहे हैं, ये इनका खेत हुआ करता था। यहाँ खेती होती थी और अच्छी खासी खेती होती थी। इनका लैंड है, अभी भी इनकी इन्हीं के नाम पे है और यहाँ पर खेती की ज़मीन है, लेकिन अब यहाँ खेती करने वाले कोई बचा ही नहीं। ज़रूरत के हिसाब से थोड़ी बहुत सब्जियाँ ये लोग पीछे उगा लेते हैं अपने घर के आसपास ही, और बाकी यहाँ कौन आएगा खेती करने के लिए। इन्होंने बताया कि खेती में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि खेती जो आप करो उसमें तो मेहनत करो ही करो, फिर उनको जंगली जानवरों से बचाना जो है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है और जंगली जानवरों से ये बचा नहीं पाते हैं। अब देखिए, ये लास्ट एरिया है खेतों का, गांव के खेतों का। गांव तो काफ़ी पीछे छूट गया, लेकिन ये एरिया ये लोग कहते हैं कि खेत है, ये खेतों का लास्ट एरिया है। अब यहाँ से प्रॉपर जंगल शुरू हो गया, मतलब वाइल्ड एनिमल्स का खतरा तो इधर भी है,
यहाँ पे भी है, क्योंकि यहाँ झाड़ियाँ हैं तो ये और छिप सकते हैं, लेकिन जो जंगल है, जो प्रॉपर जो जंगल है, वो अब यहाँ से इस जगह से शुरू हो गया है। अब यहाँ पे खेत या ऐसा प्लेन लैंड, जैसा ऐसा प्लेन लैंड इधर थोड़ा बहुत था, वो अब यहाँ पे नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे ये जंगल वाले देखो, ये दिख रहा है ना, ये अब प्रॉपर जंगल शुरू हो गया। कल रात में शुभम जो था लड़का बच्चा, वो यही बता रहा था कि ये लाठी मेरी देखी उसने, तो उसने बोला कि ये लाठी आपने चलाया कभी? मैंने बोला एक बार झगड़ा हो गया था तो मौका मिला था चलाने का। उसने बोला कि आप इसके नीचे चले जाओ, वहाँ एक वो वाटर पॉन्ड है, वहाँ तक चले जाओ, रात में ही आपको अभी 7-8 बार चलाने का मौका मिल जाएगा। ये कुछ आवाज़ आ रहा है लोगों का, लगता है कुछ लोग यहाँ पे गांव के लकड़ियाँ तोड़ने के लिए आए हुए हैं, लकड़ी तोड़ने के लिए आए हुए हैं कुछ गांव के लोग यहाँ पे। ये इन्हीं का आवाज़ आ रहा था। हाँ, जंगल के बीचों बीच पहुँच गए वापस से और ट्रैकिंग करते हुए चल रहे। बीच बीच में ना रास्ता समतल है और कहीं कहीं पे पीछे तो काफ़ी ऊंची चढ़ाई थी, फिर थोड़ा सा एक चढ़ाई वाला एक इलाका और आता है जहाँ पर ढलान होगा काफ़ी, और बीच बीच में रास्ता बिल्कुल समतल हो जाता है। बाकी ये डेंस फॉरेस्ट, उम्मीद करते हैं महाराज जी के दर्शन अभी नहीं हो पैदल जब तक हम लोग हैं तो। महाराज जी यहाँ पे टाइगर को बोलते हैं, यहाँ पे कई टाइगर्स एक्टिव है इस पूरे लोकेशन में। एक तो बिल्कुल गांव के पास है, जो अंकल हमारे साथ थे उनकी बछिया लेके चला गया था, उन्होंने कल बताया था रात में कि बछिया लेके गया वो उसकी, और लुढ़कते लुढ़कते खाई की तरफ जा रहा था। बच्चे के पीछे पीछे ये भी अंकल जी भी, मतलब अभी वो अक्टूबर की बात बता रहे थे, मतलब 2-3 महीने पहले की बात, और बच्चे के पीछे पीछे खाई में वो भी ढलते हुए चले गए और चिल्लाते हुए जा रहे थे। और वहाँ पे फिर उन्होंने जाके टाइगर को ललकारा, कह रहे साले तू मेरी बछिया ले जाएगा, तो फिर मैं तो बछिया तो उसने छोड़ दी जब इनको देखा, इनके ऊपर दहाड़ा, इनके ऊपर उसने चार्ज करने की कोशिश की, इन्होंने हाथ खड़े करके चिल्लाया इन्होंने जोर से, सारे तू मेरी बछिया ले जाएगा फिर मेरे ऊपर दहाड़ता है, और कस के बोला टाइगर चला गया पीछे। कहीं ना कहीं ये लोग जो हैं टाइगर को भी मात दे देते हैं। टाइगर देखो ये डंग पड़ा हुआ है एलिफेंट का, एलिफेंट डंग यहाँ भी पड़ा हुआ है, मतलब एलिफेंट चलता ही रहता है यहाँ पे, क्या उन्हीं का जगह है, उनका जंगल है, वही चलेगा। हम तो चल रहे हैं, चलो ठीक है। फिर उस बछिए को वो अंकल जी लेके आए वापस उठा के, बछिया मरी नहीं थी लेकिन टाइगर ने दांत गड़ा दिए थे गर्दन पे, उन्होंने लाके उसे छोड़ दिया। रात में शाम हो गया था, सुबह दिखा तो धीरे 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 मर गई थी। इन्फेक्शन भी हो जाता है और ऐसे भी नस अगर टूट गई तो तुरंत अगर इलाज ना हो तो मर ही जाएगा। यहाँ इंसानों को तो तुरंत इलाज मिलना मुश्किल है, मवेशियों को कोई कैसे इलाज दिलाए। फिर उन लोगों ने अगले दिन सुबह वहाँ ऑफिस में खबर की कि भाई ऐसे ऐसे बछिए का टाइगर अटैक में मर गया है, लेकिन दुखद यह था कि उन्होंने बताया कि कोई मुआवजा नहीं मिला उनको। मुआवजा इतनी आसानी से नहीं मिलता है, काफ़ी टाइम लग जाता है मुआवजा मिलने में, मिलता भी है तो काफ़ी टाइम लग जाता है, आसानी से नहीं मिलता है। यही बात मैंने राजस्थान में जब पता करने की कोशिश की थी, मध्य प्रदेश के जंगल में जब पता करने की कोशिश की थी, तो उन सब ने ये कहा था कि हमें मुआवजा तुरंत मिल जाता है अगर हमारे मवेशी किसी भी वाइल्ड एनिमल के कारण अगर मरते हैं तो मुआवजा तुरंत मिल जाता है। यहाँ पे उत्तराखंड में ये चीज़ थोड़ी सी मिसिंग दिखी मेरे को। तो देखो भाई, अभी वापस आते आते समझो कि हम लोग जंगल के मिडवे पहुँचे हैं जहाँ हमारी जीप खड़ी है वहाँ से, और ये वही जगह है जहाँ पे जिम कॉर्बेट ने फेमस मैनेंटर ऑफ कांडा को मारा था। उसका लास्ट एपिसोड मैंने दिखाया हुआ था डिटेल में, उसकी यहाँ समाधि बनी हुई है। समाधि क्या, एक स्पॉट बना हुआ है, आइडेंटिफाई किया हुआ है, वो स्पॉट मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये है वो जगह, दिस इज द स्पॉट वेयर जिम कॉर्बेट शूट डेड द कांडा मैनेटर इन द समर्स ऑफ 1933। द कांडा मैनेटर हैड टिल देन किल्ड 5 men and women, 2 persons। अब वो अंकल जी जो थे वो ये बता रहे थे कि उसने इस जगह पे मार के गिराया था और यहाँ कहीं पे वो पेड़ पे मचान लगा के बैठा हुआ था अकेला,
और वो जिम कॉर्बेट जो था वो इतना ज्ञानी था, उसने सारी भाषाएं सीख रखी थी, यहाँ का लोकल लैंग्वेज भी जानता था और लोकल गाने गाता था। और यहाँ पे भैंस के बच्चे को बांध के रखा था इसी किसी लोकेशन पे, और वो निशाना साधा हुआ था। और वो टाइगर जो था वो मैनेटर हो गया था और उसने मतलब लोगों को ही, इंसानों को ही मारना शुरू कर दिया था। तो वो गाना गा रहे थे ऊपर, गाना गा रहे थे ताकि गाने की आवाज़ से वो टाइगर जो है वहाँ पे यहाँ पर उसमें आकर्षित हो और इस तरफ आए। और वही हुआ, और रात का टाइम था, रात के टाइम पे वो ये सारे काम कर रहे थे जिम कॉर्बेट साहब। और वही हुआ, टाइगर वो जो था, वो बड़ा सा टाइगर जो था जो लोगों को मार रहा था, वो यहाँ पे आया इस जगह पे, और इन्हीं कहीं पेड़ पे वो मचान लगा के कहीं पे बैठे हुए थे। यहाँ पे कहीं भैंस का बच्चा बंधा हुआ था, उसको देख के वो अटैक करने के लिए आया और फाइनली उन्होंने शूट किया। उन्होंने गांव वालों को ये बोला हुआ था कि दो गोली की जब आवाज़ आएगी तब तुम लोग आना, एक गोली भी मत आना। और यही हुआ, जैसा मैं देख भी रहा हूँ कि यहाँ पे खाई जैसा बना हुआ है। जब एक गोली उन्होंने चलाई तो टाइगर को मालूम चल गया कि किसी ने, इंसान है यहाँ पे जिसने मेरे को गोली चलाई है। उसने क्या किया, टाइगर ने वापस से जिम कॉर्बेट साहब की तरफ उसने जंप लगाई उनको मारने के लिए, लेकिन बीच में पत्तों की जाली बरसी बना के रखी थी कि जहाँ पे टाइगर अगर आएगा तो वो उसमें घुस जाएगा, और फिर वो उसी गड्ढे में फंस गया। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये थोड़ी सी ऊंचाई वाली जगह है, और ये अगर आप देखो तो ये इधर ढलान है, यहाँ पे भी अगर देखो तो ये ढलान है, ये गड्ढा जैसा थोड़ा सा है, तो ये खोखला सा जगह होगा यहाँ पे। तो इस जगह पे आके वो आके फंस गया टाइगर। फिर कॉर्बेट साहब जो है वो निकल के आए मचान से, उन्होंने वापस से दूसरी गोली उसको मारी और पुख्ता किया कि वो मर गया। जब दूसरी गोली चली तब गांव वाले सारे यहाँ पे आए, और जिसके बच्चे को कुछ दिन पहले ही मारा था एक आदमी को, पूरा खा गया था यहाँ पर सारा कुछ, वो अंकल जो थे वो कल बता रहे थे, उन्होंने देखा भी था। वो माताएं जो थी वो रोने लगी, उनके परिवार वाले सब रोने लगे कि भाई इसी टाइगर ने मारा है। और कॉर्बेट साहब, सच मानो तो जिम कॉर्बेट साहब उसी समय से फेमस हुए कि भाई उन्होंने टाइगर को मार के, पहले जो टाइगर को मारता था या लेपर्ड को, इस तरह के लेपर्ड को मारता था, उसको लोग इनाम देते थे, उससे लोग खुश होते थे। इनाम तो क्या देते थे, राजा महाराजाओं का काम होता था कि ऐसे अगर टाइगर या ऐसा कोई अगर है तो उसको आप मारो, क्योंकि पहले या तो डकैत होते थे या जानवर होते थे जिनसे गांव वालों को या किसी को भी खतरा होता था। ये वो बहुत ही फेमस जगह है, और ये सारे एक्सक्लूसिव एपिसोड्स आप देख रहे हैं रोड रनर टाइगर पे। उम्मीद करता हूँ सारे एपिसोड्स आपको पसंद आ रहे होंगे। पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चैनल को बढ़ने में, चैनल को ग्रो करने में मेरी मदद करें, क्योंकि अब वक्त आ गया है कि चैनल को ग्रो होना चाहिए, चैनल को एक अच्छा मुकाम मिलना चाहिए। जहाँ पे हम खड़े हैं ना, यहाँ पे दो तीन टाइगर की टेरिटरी है, तो हाँ, दो किलोमीटर के अंदर टाइगर है, नजदीक भी हो सकता है, क्योंकि गेट पे गए थे वहाँ पे उसकी पोटी थी और पूरा स्मेल आ रही थी। इधर भी लोगों को फ्रिक्वेंटली दिखता रहता है, कांडा फॉरेस्ट से पूरा घना जंगल है। वो पॉन्ड कहाँ पे है जहाँ पानी है, वो आगे है ना, आगे पड़ेगा। कल यहीं पे हम लोग थे ना, वो बार्किंग डियर कॉल कर रहा था, इधर से कर रहा था, बार्किंग डियर कॉल कर रहा था, लेपर्ड था, नहीं नेटवर्क आ रहा था, नेटवर्क आ रहा था, आज कम है वैसे नेटवर्क, यहाँ पे नेटवर्क भी आता है। पर ये एक्चुअली यहाँ पूरा बिल्कुल खाई जैसा है ना, तो यहाँ से कोई नेटवर्क जो है कैच कर लेता होगा। और इस तरफ ढिकाला का एरिया है जिम कॉर्बेट। अच्छा, यहीं पे उनको दिखा था टाइगर। हाँ, ये जो टाइगर वो कूड़ादान आ रहा है ना, कल इसको हाँ, तो बता रहे थे वो। हाँ, कूड़ादान के पास। हाँ, अच्छा, इस जगह पे, इस जगह पे उन अंकल को टाइगर दिखा हुआ है। हाँ, बिल्कुल आमने सामने, ये कूड़ादान के पास ये वाला एक स्पॉट बना हुआ है। यहाँ पे वन देवी की का मंदिर भी है थोड़ा सा आगे, और ये एक कूड़ादान जैसा बना है, कूड़ादान है। अब उसके अंदर आप बैठ सकते हो, छिप सकते हो, अगर कोई एनिमल अचानक से हमला कर दे तो उसके लिए है कि आप रास्ते में है, अब अचानक से दौड़ के आप घर तो पहुंचोगे नहीं, गांव तो पहुंचोगे नहीं, तो ये बना हुआ है एक कि इसके अंदर आके आप अपने आप को बचा सकते हो ये वाली जगह पे। और इसके थोड़ा ही आगे यहाँ पे ये वन देवी का मंदिर है, वन देवी का मंदिर। जय हो वन देवी की, जय हो। ये दोबारा से वन देवी जी का मंदिर आ गया, जय हो, जय हो, रक्षा करो हमारी और हमें इस लायक बनाओ कि हम आपकी रक्षा कर सके। फाइनली हम लोग बिल्कुल नीचे आ गए हैं,
और वो जीप दिख रही है हमारे को, और उसके बगल में ये ढिकाला का गेट है, मतलब रामनगर की तरफ से आते हैं सारे लोग ढिकाला के लिए, लेकिन जो फॉरेस्ट ऑफिशियल्स हैं उनके लिए ये भी एक गेट है ढिकाला का। ये ऊपर फॉरेस्ट चौकी है, उसके ठीक ऊपर नीचे हमारी जीप खड़ी है, और ये गेट मैं आपको अभी थोड़ा नज़दीक से भी दिखाता हूँ। ये गेट, ये है वो गेट जो ढिकाला के लिए है। पूरे करीब करीब 35 मिनट का ट्रैकिंग था हमारा लौटने में, जाने में थोड़ा सा अधिक लगा था, 45 मिनट के आसपास लगा था। ये गेट हो गया, ये हमारी जीप खड़ी है, ऊपर चौकी है। जाने के लिए ये तो स्टीयरिंग तो मैनुअल होगा इसमें? हाँ मैनुअल है, सब कुछ ही मैनुअल है। कई जगह पे ऐसा रास्ता हो जाता है कि आप काट नहीं सकते हो गाड़ी को, एक बार में आपको आगे ले जाके फिर बैक करना पड़ता है। जैसे अभी ये हम लोग मोड़ से हमने इसको बैक किया, अब वापस से गियर 2 नंबर लगा के फिर गाड़ी को मारे। ये आते समय मैंने रिकॉर्ड किया था इस जगह को, ये ब्रिज जैसा एक बन गया है, पुल जैसा बन गया है, पेड़ कई साल से ऐसे ही पड़ा हुआ है, देखो कैसा लग रहा है। चले अब हम लोग इस ऑफ रोडिंग से नीचे आके पक्की रोड पे आ गए, पक्की रोड दिखनी शुरू हो गई है हमारे को, अब ये पक्की रोड हम लोग ज्वाइन कर लेंगे। ये अंगार, बड़ी वाली मधुमक्खी का छत्ता है, वो खतरनाक होती है, अगर काट लिया ना मर जाता आदमी। क्या बोलते अच्छा? हैं ट्रीटमेंट नहीं मिला ना जल्दी से, अच्छा मर जाएगा। अंगार बोलते हैं अंगार, अंगार। यहाँ पे मैदावन होमस्टे का ये बोर्ड लगा हुआ है, ये सड़क आगे जा रही है रामनगर की तरफ, और यहाँ से ये कट के अब हम लोग अपने होमस्टे की तरफ जा रहे हैं। ये जो सूखी लकड़ी पड़ी हुई है सड़क के किनारे, वो उठा के गाड़ी में रखेंगे, जलावन के काम आएगा हमारे। अब मैं खड़ा हो गया हूँ जीप के ऊपर, यहाँ पे खड़े होके जाएंगे। फाइनली बैक टू रोड टाइगर, मेरी गाड़ी यहाँ खड़ी थी और ये जीप अब यहाँ पे पार्क हो जाएगी। गांव में देखो यही होता है, ये ना इनको लकड़ी मिली जंगल के आसपास गिरी हुई, ये लकड़ी उठा के गाड़ी में उठा के लेके आ गए, अब ये जलावन वाला किसी के काम आ जाएगा। बाकी ये होमस्टे है बड़ा प्यारा, देखो यहाँ से ना बड़ा खूबसूरत लग रहा है, पूरा जंगल आसपास और इस तरफ नदी, बिल्कुल सामने नदी है।